सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल रिसी चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे iOS मींस आईफोन में व्हाट्सअप पर लॉक कैसे लगाते हैं। जी हाँ गाइस, यूजुअली iOS व्हाट्सअप वगैरह मतलब ऐप पर लॉक की सुविधा नहीं देता है, तो इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सअप पर लॉक लगा सकते हो iOS में आईफोन में। और गाइस, अगर आपको व्हाट्सअप पर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट की चैट को लॉक करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने आईफोन में व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेना हूँ, कोई भी यहाँ पर पासवर्ड नहीं लगा है। सो गाइस, देख सकते हैं आप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है पासवर्ड लगाने के लिए, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कोने पर, तो इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन लॉक। यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड टच आईडी कर देनी है। अगर आपका आईफोन में फेस आईडी सपोर्ट होती है तो यहाँ पर फेस आईडी का आएगा, तो यहाँ पर आपको ये इनेबल कर देना है। अब गाइज, आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरे को फिंगरप्रिंट मांग रहा है, यहाँ पर पासवर्ड लग चुका है। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये ओपन हो गया है। तो गाइज, वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नया आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। सो थैंक यू गाइज़।